जय हिंद, राम राम। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज सिलेक्शन पदों पर 24 पोस्ट पर वेरियस पदों पर यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई है। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, इनवेलप को कैसे फिलअप करना पड़ेगा और फोटो कैसे चिपकाने के बाद कैसे पेस्ट करना होगा, सारे डिटेल्स मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी फॉलो कर सकते। किसी भी जानकारी चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ट्विटर पे कमेंट कर सकते। और दोस्तों, हाल ही में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसका फुल डिटेल जानने के लिए आपको इसको बारे में मैंने अलग से प्लेलिस्ट कर दिया मंथ के अकॉर्डिंग, तो इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते, यहाँ पर आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं इसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा। ए 1 पेज, उसके बाद 2 पेज और ए 3 पेज आपको प्रिंट करा के, फॉर्म फिलअप करा के आपको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन की फुल जानकारी। अब चलते फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप से पहले कुछ इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इससे पहले आपको ए 3 पेज आपको प्रिंट कराना पड़ेगा A4 साइज पेज में, और इसको फिलअप करने के लिए आपको किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ओवर राइट नहीं करना। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उससे पहले इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है 2nd September 2023 और इसका अंतिम डेट यानी लास्ट डेट है 23rd September 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और इसमें आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, सुकर्नी, फायरमैन, कुक और टेक्निकल असिस्टेंट MTS पदों पर यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको नोटिफिकेशन की वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 27 तक और कुक और टेक्निकल असिस्टेंट MTS पदों पर 18 से 25 तक आपका एज रहेगा। और इसका आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, पहले आपका रिटर्न टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फायरमैन पदों पर आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस और फास्ट एड सर्टिफिकेट लगेगा, तो इसका आपका टेस्ट ले सकता है। और सुकर्णी पर आपको स्विमिंग का टेस्ट ले सकता है। ड्राइवर पदों पर और लोअर डिवीजन क्लर्क पर आपको 35 इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको टाइप करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड में आपको टाइपिंग में क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो आपको क्वालिफाई नहीं चाह रहे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आखिर में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ये आपको सिलेक्शन मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना पड़ेगा वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा। तो दोस्तों चलते आप फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे और इसके साथ आपका मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम देंगे अगर आप मेल कैंडिडेट आवेदन कर रहे हो, अगर आप वुमेन कैंडिडेट आवेदन कर रहे हो, अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा और आपको इसके साथ मैट्रिकुलेशन का पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी देना मैंडेटरी है, जिसका फोटोकॉपी के देख कर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। यहाँ पर आपका डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद एज एज ऑन लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको लास्ट डेट के हिसाब से आपका एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एज कैलकुलेट कैसे करना है और कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको एज कैलकुलेटर पर आ जाना पड़ेगा, जो आपको गूगल में सर्च करके आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाने के बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ, यहाँ पर आपका लास्ट डेट लिखना पड़ेगा। आपका लास्ट डेट है 23rd September 2023, इसको डाल देने के बाद आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो ऊपर वाला जो शो रहा है 23rd year 8 month 3 days ऐसे करके जो आपको आएगा उसको आपको
इस जगह लिखना पड़ेगा ईयर मंथ और डेट के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी देना पड़ेगा, आपका जो कैटेगरी है जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ईएसएम फिजिकल हैंडीकैप जो आपका है उसके ऊपर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन का, एससी एसटी का है तो एससी एसटी का, ओबीसी का जिसमें आप भरेंगे उसमें, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट का भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको मिनिमम भरना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपका कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आपको दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका एयर ऑफ पासिंग देंगे, मार्क्स ऑब्टेन आपको कितना मिला था यहाँ पर आपको देंगे, कितना में एग्जाम हुआ है उसको देंगे, और यहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, और रिमार्क पे आपको क्या रिमार्क मिला था यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे उसमें अगर आपको आईटीआई लगेगा तो आईटीआई देना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें अगर लगता है तो यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, तो यहाँ पर आप पोस्ट के हिसाब से देख लेना। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर वाला जो पोर्शन है फॉर ऑफिस यूज ऑनली इस 1, 2, 3, 4 इस पर आप कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है, फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको बीचों से शुरू होकर रनिंग हैंड सिग्नेचर करना पड़ेगा, जो आपको रनिंग हैंड होना चाहिए, जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर ऐसे करना मैंडेटरी है। उसके बाद एक नंबर पेज आपको फॉर्म फिलअप करके मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड नंबर पेज पे यहाँ पर आपको 8 नंबर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर बी इनक्लोज यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो ही आपको करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आप कौन सी तारीख में अपॉइंटमेंट मिला था यहाँ पर आप देंगे, कौन सी पोस्ट में आप है यहाँ पर आप देंगे, प्रेजेंट पोस्ट हेल्ड आप कौन सी पोस्ट में आप प्रेजेंट काम कर रहे हो उसको आपको भरना पड़ेगा, प्रेजेंट पे और लेवल देंगे, नेम और एड्रेस यहाँ पर फुलफिल करेंगे, और इसके साथ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर यहाँ पर आप देंगे, आधार कार्ड नंबर जो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, और इसके साथ आपको आधार कार्ड फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर आप देंगे, जो आपको कैपिटल लेटर में फुलफिल करना पड़ेगा, एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 करके यहाँ पर आप देंगे, तालुक देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, पिन कोड जो आपका पिन कोड है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज अबव पे इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, अगर अलग है तो आपको कैपिटल लेटर में एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 तालुक डिस्ट्रिक्ट पिन कोड स्टेट यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा जो आप रनिंग हैंड भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना पड़ेगा, और आप जिस जगह से आप फॉर्म फिलअप करोगे उस जगह का नेम यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आप कौन सी डेट में आवेदन करोगे उस डेट का यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको मैंने आपको 2 नंबर पेज की ऑलरेडी डिटेल्स आपको बता दिया। किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी यानी एक्स पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको 3rd नंबर पेज आ जाना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन कार्ड की पोर्शन पे, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट कॉपी 1 और 2 कैंडिडेट कॉपी यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर आप 1 नंबर पेज पे आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए थे उसी पोस्ट को यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, जो आपको कैपिटल लेटर में फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे एज पर 3rd नंबर पर जैसे आपने फिलअप किया ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर आपने 10 पर भी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड मोबाइल नंबर लिखेंगे, नंबर 2 करके अगर आप कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जो ईमेल एड्रेस आपने 13 नंबर पॉइंट पे दिया है वही ईमेल आईडी यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद रोल नंबर डेट एंड टाइम ऑफ रिटर्न डेज 9 और 10 इस जगह आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ना है। सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना होगा। ऐसे ही तरह आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जो आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा, और 7, 8, 9, 10 यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपने 1 नंबर पेज पे जैसे आपने फिलअप किया एक फोटो चिपका के
क्रॉस सिग्नेचर किया, ऐसे आपको इस जगह और इस जगह फोटो चिपकाना पड़ेगा और उस जगह आपको क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया ऐसे आपको क्रॉस सिग्नेचर पड़ेगा, पहले आपका नेम से शुरू होकर सिग्नेचर का फुल डिटेल्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, सेम टू सेम इस जगह भी, यानी आपको तीन फोटो देना पड़ेगा जो आपको चिपका के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने फॉर्म फिलअप की 1, 2 और 3 पेज की फुल डिटेल्स आपको बता दिया, इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, इसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल का स्टेट का तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 3 ईयर रेगुलर सर्विस कर चुके हो तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। उसके साथ जो जनरल कैंडिडेट है बिल्कुल इससे अलग है, फ्रेशर कैंडिडेट, उनको आपको सारे फॉर्म को इंग्लिश ड्यूली साइन आपको करना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ। इसके साथ एक्नॉलेजमेंट कार्ड फुलफिल करना पड़ेगा, फोटोग्राफ देना पड़ेगा सेल्फ अटेस्टेड जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देना पड़ेगा आधार कार्ड का, 10, 12 का, जिस तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे जिस पोस्ट के लिए उसमें जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करोगे उसका तक आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपको पोस्ट में ITI लगता है तो ITI दे सकते हो। OBC SC ST कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसका मेडिकल चेकअप करके आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसमें अगर ड्राइविंग लाइसेंस लगता है तो आपको देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लगता है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एज एप्लीकेबल। इसका फोटोकॉपी देके इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर आपको 22 पोस्टल स्टैम्प आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप SC ST कैंडिडेट है, अगर आपने फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग या पर आप जिस कास्ट के लिए आवेदन करते हो उस कास्ट को मेंशन करते हो तो आपको देना मैंडेटरी, अगर आप जनरल है तो यहाँ पर आप देना मैंडेटरी नहीं। अगर आप SC ST कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, और यहाँ पर अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा फिलअप करके, जो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्यूटी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के एप्लीकेशन के साथ इसको देना पड़ेगा। फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो इसको सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इसको फॉर्म फिलअप करके सील लगा के डेजिग्नेशन लगा के फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो इसका आपको फिलअप करा के नियर बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMO और हेड ऑफ हॉस्पिटल से फिलअप करके सील लगा के डेजिग्नेशन लगा के इसके आपको देना होगा जो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है, तो ये आपको माना जाएगा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, नहीं तो आपको फॉर्म फिलअप रिजेक्ट हो जाएगा आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करोगे। तो दोस्तों पहले आपकी एप्लीकेशन की फर्स्ट पेज या पर आपको सिग्नेचर करना नहीं है, जिस जगह आपको सिग्नेचर बताया गया है उस जगह आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उसके बाद 2 नंबर पेज पे भी आपको नीचे सिग्नेचर करना नहीं होगा, जहाँ पर सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद 3 नंबर पेज पे भी यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर करना नहीं है, इस जगह आप तो करना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिया जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फोटोकॉपी देकर उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ITI सर्टिफिकेट, आपको जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे सारे आपको देने के बाद ऐसे आपको आधार कार्ड सारे फुलफिल आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे उस पोस्ट तक आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, और आप जिस कलर पेन से यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको रनिंग एंड सिग्नेचर करना बेहतर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों ऐसे आपको 2 एनवलप लेना पड़ेगा जो नियर बाय आपको बुक स्टॉल में आपको मिल जाएगा। एक के लेफ्ट साइड पे आपको फॉर्म देकर आपका नेम, सोनप देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन यहाँ पर आपको फुलफिल करेंगे। आप जिस कलर पेन से यहाँ पर आपने फॉर्म फिलअप किया
उसी कलर पेन से यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, वही आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करोगे। जैसे यहाँ पर मैंने लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आवेदन किया, तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क। जैसे यहाँ पर शो रहा है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, और फ्रॉम देकर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, और राइट साइड पे टू देकर टू द कमांड डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन नीलगिरी 643231 तमिलनाडु, इस एड्रेस को आपको इस जगह लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर शो रहा है ऐसे आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा और एक एनवलप आपको लेना पड़ेगा, जिसको राइट साइड पे आपने जैसे यहाँ पर फिलअप किया ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। टू देकर आपका नेम, सोन ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपका लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 22 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप आपको लेना पड़ेगा। लेने के बाद यहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है और यहाँ पर आपको राइट साइड पे लिखना है। जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर लिखना बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका पिक्चर भी डैमेज हो सकता है। तो सारे हो जाने के बाद आपको इस एनवलप के अंदर पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उसके बाद आपका जो 22 रुपीज़ वाला पोस्टल स्टैंप है इस एनवलप को आपको इसके अंदर दे देना होगा। सारे हो जाने के बाद इसको आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, ऑर्डिनेट पोस्ट के माध्यम से आप भेजेंगे। तो दोस्तों वीडियो के बारे में किसी भी प्रॉब्लम में किसी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और सारे जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम।